त्रिपाठी ने दिया धक्का, गुलशन ने उठाकर पटका, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के धुरंधरों ने लगाए लंबा लंबा छक्का। आज हो रहे नेपाल और न्यूजीलैंड के बीच अंडर 19 विश्व कप के सातवें मुकाबले में नेपाल को जीतने के लिए चाहिए 303 रन। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया था। पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 15 ओवर के भीतर महज 67 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर चौथे विकेट के लिए न्यूजीलैंड के एस रेड्डी और जैक्सन ने मिलकर जरा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप, जिसमें दोनों 166 गेंदों में 157 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप जड़ी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए एस रेड्डी ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर करते हुए न्यूजीलैंड को एक बेहद ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब नेपाल को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 303 रन, जो कि इस पिच पर थोड़ा मुश्किल है। नेपाल के लिए सुभाष भंडारी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और गुलशन झा ने अपने कोटे के 10 ओवर में 61 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दीपेश खंडेल, तिलक भंडारी और आकाश त्रिपाठी को एक एक सफलता मिली। बताएं कि बीच के ओवर में न्यूजीलैंड ने जिस तरह की अप्रोच दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज 350 का स्कोर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर एक अहम समय पर त्रिपाठी ने आकर एक शानदार विकेट ली और उसके बाद के ओवर में गुलशन झा ने लगातार 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को फिर से बैकफुट पर ले आए। बताएं कि गुलशन झा इस मैच में हैट्रिक विकेट ले सकते थे, लेकिन उनका यह कारनामा अधूरा रह गया। बताएं कि नेपाल ने शुरू से बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट लगाई थी, लेकिन खासकर लास्ट के 20 ओवर में विकेट नहीं गिरने की प्रेशर में लूज फील्डिंग हुई, जिसका खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ा। अगर नेपाल वह हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट कर देते तो न्यूजीलैंड की टीम 270 के नीचे रह सकती थी। लेकिन अब नेपाल को जीत के लिए चाहिए 303 रन। तो आपको क्या लगता है, क्या नेपाल इस मैच को अपने नाम कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।